हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पट वाली आटा चक्की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पट वाली आटा चक्की की पूरी जानकारियाँ चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों इस जो पट वाली आटा चक्की है वो 15 HP मोटर के साथ आती है और ये 20 इंच की आटा चक्की है दोस्तों, जो कि भी पुली के साथ आती है। दोस्तों इसमें सबसे खास बात यही है दोस्तों, ये जो आटा चक्की है वो काफ़ी कम जगह में इंस्टॉल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये ज़्यादा बड़ा शॉप नहीं है, ये 10x10 का कमरा है जिसमें एक कोने में ही ये शिफ्ट हो चुका है। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी पिसाई कैपेसिटी की तो 120 kg से 150 kg तक ये पिसाई कर देती है। दोस्तों यह जो आटा चक्की है वो खड़े वाले आटा चक्की से काफ़ी अच्छी है। जो भी आप अगर नया इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक पट वाली आटा चक्की काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सबसे खास इसमें आप लोगों के लिए फ़ायदा यही है दोस्तों कि आप अगर जब भी इस नए फील्ड में आओगे तो आपको टकाई करना नहीं आता होगा, और आप इधर उधर टकाई कर दोगे तो इसमें उतना इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है ये यही है कि अगर आप इधर उधर टकाई कर देते हैं तो उतना इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है, जबकि आप खड़े वाले आटा चक्की में अगर इधर उधर टकाई कर दोगे तो आपको उसमें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और ये जो आटा चक्की है, हम देखते हैं कि इसमें जो नालियां बनती है वो नालियां अगर ज़्यादा गहरा भी हो जाए तो आपको आटे में दाने दाने आने का शिकायत नहीं रहेगा, जबकि खड़े वाले चक्की में अगर नालियाँ ज़्यादा गढ़ा हो जाता है तो उसमें गेहूं का टुकड़ा जो है वो थोड़ा थोड़ा आता है। तो दोस्तों अगर आप नए इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो हमारे हिसाब से ये पट वाली आटा चक्की आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जो कि आप शुरुआत कर सकते हैं और एक कोने में ही शिफ्ट करके आप ऐसा ही भैया के जैसे अपने धंधे को चालू कर सकते हैं, अपने बिजनेस को चालू कर सकते हैं। दोस्तों इसकी पिसाई क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, आप देख पा रहे होंगे ऐसा नहीं है कि पिसाई नहीं देता अच्छा, ये भी काफ़ी अच्छा पिसाई देता है। डिपेंड पड़ता है आप पर कि आप कैसा कस्टमर को पिसाई देते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल पर बने रहे।